ग्रेटर नोएडा से आगरा को जुड़ने वाले यमुना एक्सप्रेस वे पर आए दिन सड़क हादसा होता रहता है। आगरा की बात की जाए तो 5 दिनों में 12 लोगों ने अपनी जान सड़क हादसे में गंवाई है। इस हादसे में 4 लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि सड़क हादसे को रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ने जेपी ग्रुप को कुछ कदम उठाने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही यमुना एक्सप्रेस वे के लिए 4 नए थाने बनने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जिला थाना इलाके में 40 किलोमीटर माल स्टोन के पास एक खड़े हुए टेम्पर में पीछे से आ रही तेज रफ्तार बुलारो गाड़ी टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि बुलारो में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, अन्य 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रेटर नोएडा पुलिस के मुताबिक डंपर को कब्जे में लिया है। हादसे में 4 महिलाओं और 1 68 वर्षीय पुरुष की जान चली गई। मृतकों में 4 लोग महाराष्ट्र एवं 1 कर्नाटक के निवासी हैं। घायल में 1 पुरुष 1 महिला शामिल है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत पर दुख जताया है। यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के CEO अरुण वीर सिंह ने बताया कि ग्रेटर नोएडा आगरा के बीच यमुना एक्सप्रेस वे पर पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए 4 नए थाने खोलने का प्रस्ताव भेजा गया है। इन थानों में 1 थाना ग्रेटर नोएडा, 1 थाना मथुरा, अलीगढ़, आगरा में खोला जाएगा। यमुना एक्सप्रेस वे में हर 10वां सड़क हादसा नींद के चलते होता है। 30% हादसे हाई स्पीड के कारण होते हैं, साथ ही 25% टायर फटने की वजह से। करीब 5% हादसे सड़क पर खड़े वाहनों की वजह से होते हैं तो 15% हादसे अन्य कारणों से भी हो जाते हैं। हर साल सैकड़ों लोगों की यमुना एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में जान गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN।